सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इच्छाएं, सपने, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहें, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। सुबह का नमस्कार सिर्फ रिवाज ही नहीं बल्कि आपकी फिक्र का एहसास भी है। रिश्ते जिंदा रहें और यादें भी बनी रहें। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिलें तो वही हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाए। कड़वा सच है कि गरीब से दोस्ती छुपाते हैं लोग और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ा कर निभाते हैं लोग। आज का पंचांग 19 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, शाम 4:38 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र रात्रि 1:39 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:35 से 5:10 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:00 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। मीन राशि 19 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार, आप आज सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। हालांकि आपका उद्देश्य अच्छा है परंतु आपकी बातों का हर स्थान पर स्वागत नहीं होगा। आपको अपनी प्रवृत्ति का उपयोग अपने आप को खुशी देने के लिए भी करना चाहिए और आज आप अपनी अच्छी खासी रकम खर्च कर सकते हैं। जहां तक दूसरों के बारे में आपकी राय का सवाल है, अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखें क्योंकि आपके कार्यक्रमों को गलत समझा जा सकता है। आप एक नए जोश और आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगी और सफल भी होंगी। सकारात्मक गतिविधियों तथा लोगों के संपर्क में रहने से आपके व्यक्तित्व में भी उचित निखार आएगा। किसी धार्मिक गतिविधि में आपका विशेष योगदान भी रहेगा। एक ऐसे तरीके अपनाने से आपको रिजल्ट भी एक जैसे ही प्राप्त हो रहे हैं। अपने प्रयत्नों में बदलाव करेंगे तो जीवन की दिशा बदल सकती है। किसी भी प्रकार की इच्छा करने से पहले अपनी काबिलियत और वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखें। विदेश में स्थित किसी मित्र से काम का अवसर मिलेगा। रिलेशनशिप में नयापन लाने के लिए प्रयत्न करें। सिर में भारीपन हो सकता है। सावधानियां, संतान से संबंधित परेशानी में उसका सहयोग करना तथा मनोबल बढ़ाकर रखना आपका दायित्व है। रिश्तेदारों व मित्रों के साथ भी अपनी संबंध मधुर बनाकर रखें। इस समय कहीं निवेश करना अथवा यात्रा करना नुकसानदायक रह सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य जीवन सुखद और सौहार्दपूर्ण रहेगा परंतु प्रेम संबंधों को मर्यादित रखना अति आवश्यक है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। आप अपने किसी करीबी पर इसे उतार सकते हैं। आपका साथी इस आवेग से परेशान और व्यथित हो सकता है। अपने साथी को समझाएं कि ये आवेग अतीत की कुछ घटनाओं के कारण था जो अनसुलझे रह गई थी। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करें और अगर वे अनियंत्रित रहे तो उसकी तीव्रता को कम करने की कोशिश करें। बात करते हैं करियर की। अगर आपने हाल ही में कोई परीक्षा दी है तो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है। आपको कड़ी मेहनत और समर्पण का फल मिलेगा। आप आज वित्तीय योजना के बारे में जानेंगे। निवेश करने से पहले सही योजना पर अपने मित्रों और सहयोगियों से सलाह लें। प्रस्ताव आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आपका दिन ऑफिस में अच्छा रहेगा। व्यवसाय गतिविधियों के लिए ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। समय का भरपूर सदुपयोग करें। टूर एंड ट्रेवल्स, मीडिया तथा कलात्मक कार्यों में बहुत मुनाफा होने की संभावना है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को मन मुताबिक कार्यभार मिल सकता है। बात करते हैं सेहत की। कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी जरूर व्यतीत करें। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या व उचित खान पान आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाकर रखेंगे। आपकी सेहत और मिजाज दोनों ही बहुत अच्छे हैं।
आपके कोई करीबी बीमार पड़ सकते हैं या बीमारी के लक्षण दिख सकते हैं। उन पर नजर रखें, जब भी हो सके उनकी मदद करें। घर पर भी कुछ अच्छा समय सबके साथ बिताएं, बाहर जाने या खाने से बचें। आज आपको घर वालों के साथ रहकर घर के बने खाने का लुत्फ उठाना चाहिए। आज का उपाय, आज आप गरीबों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।